या अल्टीमेटली इंसान को चाहिए, ये सब चीजें इसकी ब्रांचेस हैं, इसकी शाखाएं हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यस यस यस। आगे मैं बात करूँ सर डायरेक्ट सेलिंग की बात चलती थी। चलिए मैं बहुमत के आधार पर जा रहा हूँ, पैसा, पैसे कमाने की मेरी नज़र में तीन तरीके हैं जो पूरी दुनिया में चलती है। अगर तीसरे के अलावा चौथा कोई तरीका हो तो मुझे बता दीजिए। एक तो आदमी करता है व्यापार या बिजनेस, ठीक है, बिजनेस में आप छोटा बड़ा सभी तरह का बिजनेस करते हैं। अगर कोई धीरू भाई अंबानी भी है वो भी बिजनेस ही कर रहा है, और अगर कोई चाय की दुकान लग रहा है वो भी बिजनेस ही कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा व्यक्ति चाहे वो आधुनिक तरीके से कर रहा हो चाहे किसी भी तरीके से कर रहा हो, खेती से भी पैसा आता है। इसके अलावा है नौकरी, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो चाहे छोटी हो बड़ी हो। अब इसके अलावा कहीं से पैसा आता है तो बिजनेस किसी भी तरह का हो सकता है, नंबर एक का नंबर दो का किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन पैसे कमाने के लिए तीन ही तरीके हैं। एक और तरीका है वो है तो नौकरी का भी रूप है, लेकिन ये दोनों एक ही बात है। लेकिन इन चारों के अलावा इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई पैसा कमाने का मार्ग है। आप सहमत हैं मेरी बात से? यस यस। अब चलिए सर हमें ये तीनों ही करना पड़ रहा है। पैसा आ गया, पैसा कल्पना कीजिए कि पैसा आ गया, पैसा आने के बाद में हम क्या करते हैं? सबसे मेन चीज क्या करते हैं? खर्चा। उस पैसे को खर्च किए बिना कोई दूसरे प्रयोग में ला सकते हो क्या? नो। उस पैसे का क्या होगा? खर्चा ही होगा। और अगर जरूरत से ज्यादा आ जाए तो क्या हो जाएगी? बचा। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो ऐसा काम क्यों नहीं करें कि खर्चा तो हमें करना ही पड़ रहा है ना, खर्चा करते करते ही बचत हो जाए, तो क्या करना चाहेंगे ना? यस ठीक है। बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टीलेवल मार्केटिंग। हिंदुस्तान के इतिहास में 20 से 25 सालों में इसका केवल एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है। अभी तक जो भी हम सुनते आ रहे हैं कंपनी में नाम दिया, किसी ने 2-4 साल, किसी ने किसी कंपनी में काम किया, किसी ने 2-4 कंपनी कर ली, तो कुल मिलाकर के कोई सी